अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मटन आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत आसान है। आप मटन की जगह बीफ या चिकन से भी बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 kg मटन को धोकर एक प्लेट में रख लें। कुकर में 4 tablespoons घी डाल दें। आप घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज को काट कर डाल दें। प्याज को सौते कर लें। जब प्याज का पानी ड्राई हो जाए 1 kg मटर डाल दें। 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1/2 tablespoon हल्दी, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon नमक डाल दें। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें 1 पाव दही को फेंट कर डालकर मिक्स कर लें। फिर 2 glass पानी डाल दें। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर पकने दें। कुकर की सीटी की आवाज आने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें। 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। जब कुकर का प्रेशर खत्म हो जाए फिर कुकर का ढक्कन हटा दें। इसके बाद इसमें 4 अदद आलू दरमियाने साइज के काट कर डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 glass पानी डाल दें। मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने दें। जब आलू सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर डाल दें। अब आपको जितना शोरबा चाहिए है उसके हिसाब से चूल्हा बंद कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सपोर्ट करें। फिर मटन आलू को हॉट पॉट में या बाउल में निकाल लें और उसके ऊपर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और हरी मिर्च छिड़क दें। हमारा मजेदार सा मटन आलू रेडी हो गया है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।